हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब आप होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सनवीरिया कंज्यूमर लिमिटेड स्टॉक में बात करेंगे, जो फंडामेंटली में ये कंपनी बेस्ट है। एंड गाइस, बता दें ये पिन्नी स्टॉक्स है, इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, बट आप सारी एनालिसिस एंड सारी रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम एंड रिस्क नहीं होगा। बट आप कभी भी लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट मत करना। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका प्राइस आप देख सकते हो, 1.15 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। एंड इसका टुडे का जो रिटर्न रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी बेस्ट रहा है। 4.55% इसका टुडे का रिटर्न रहा है, जो काफ़ी बेस्ट इसके रिटर्न रहे। कंपनी के फाइनेंशियल सर्विस देखे जाएगा इस, ये कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है भोपाल में, इसका स्थापना हुआ था 22 अप्रैल 1991 में। एंड इस कंपनी को एक कंपनी ऑलरेडी सपोर्ट करती है, सनवेरिया एनर्जी लिमिटेड। अब गाइस, इसकी मेन वेबसाइट पे चलो गाइस, वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आ चुके गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 84 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है। एक साल में इसका हाई प्राइस गया था 2.03 रुपये, एंड लो प्राइस गया था 55 पैसे इसका लो प्राइस गया था। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू जो है 1 रुपये है, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 1 रुपये। अब आप इसका मैक्सिमम प्राइस देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था इस स्टॉक का। इस स्टॉक का हाई प्राइस गया था गाइस 70 रुपये के अराउंड इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टर ने इस स्टॉक से अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए थे। कंपनीज का जो पी रेशियो है, मीडियम साइज में इसका पी रेशियो है 11% इसका पी रेशियो है। कंपनीज के इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, कौनस में इन्होंने रेड सिग्नल में अपडेट किए हैं। इसका लास्ट 5 ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने माइनस में अपडेट किए हैं, 82% इसका माइनस पे चल रहा है। एंड लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इन्होंने रेड सिग्नल में अपडेट किए हैं। प्रमोटर का होल्डिंग जो है थोड़ा सा डाउन है, 16% के अराउंड इसका प्रमोटर होल्डिंग डाउन में चल रहा है। एंड कंपनीज की आप पेयर कंपैरिजन देख सकते हो, जो काफ़ी बेस्ट है। इसका इंडस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडिया, ये कंपनी जो है खाने पीने की सामान को, प्रोडक्ट को पैकिंग करके सेल आउट करती है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करती रहती है। एंड कंपनीज की आप पेयर कंपैरिजन देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ चल रहा है, जीडीएस वेल्सन हो गया, हेडसन एग्रो हो गया, वरुण बेवरेज हो गया, ये काफ़ी फेमस कंपनीज है गाइस, इसके साथ कंपटीशन चल रहे हैं। इस कंपनीज का आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो, टोटल कितना है 99% है। एंड एक साल में इसका CGR जो रहा है 64% इसका CGR रहा है। आप बैलेंस शीट देख सकते हो कंपनीज की, कितना ज़्यादा इन्होंने लायबिलिटीज ले रखा है एंड कितना इन्होंने एसेट्स बनाया है। इसका टोटल लायबिलिटीज जो है 376 करोड़ इसका टोटल लायबिलिटीज होता है, जो इन्होंने प्रेजेंट टाइम में इतना कर्जा ले रखा है। एंड कंपनीज के पास टोटल एसेट भी है, जो काफ़ी बेस्ट है, 376 करोड़ कंपनीज के पास एसेट है। इसके शेयर होल्ड आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा इन्होंने कितना शेयर होल्ड किया है। प्रमोटर का इसका शेयर होल्ड है 16% के अराउंड, एंड पब्लिक ने इसके 83% तक शेयर होल्ड के लिए हैं। प्रमोटर के पास काफ़ी कम इसके शेयर होल्ड बचे हुए हैं। कंपनीज की आप एनुअल रिपोर्ट आप यहां से चेकआउट करके एयरली वाइज आप सारा इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आई होप गाइस आप अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करना एंड अपने के साथ कंपैरिजन करना, आपको कोई रिस्क एंड प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।